तो पावर बीआई की इस क्लास में हम बात करें डेटा विजुलाइजेशन, और डेटा विजुलाइजेशन में हम लास्ट क्लास में आपके साथ जो बात की थी वो बात की थी इसके बारे में, जो टेबल्स हैं उन टेबल्स के बारे में हम डिस्कस किया था। यस सर। इसके बाद हमारे पास जो आता है वो आता है ए आपके सामने जो ऊपर है विजुलाइजेशन उसके बारे में। तो चलिए हम सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैक बार चार्ट के बारे में, स्टैक बार चार्ट, और साथ में हम यहाँ पे आपके सामने स्टैक कॉलम चार्ट है, तो स्टैक बार चार्ट ले लिया और इधर क्लिक किया स्टैक कॉलम चार्ट, दोनों को हम एक साथ आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। ओके सर। अब स्टैक कॉलम चार्ट है, इसे मान लीजिए कि मैंने इस पे नेम रखा और मैंने क्वांटिटी रखा, तो नेम और क्वांटिटी का टोटल कुछ इस तरह से आपको दिख जाएगा, राइट। यस सर। नेम एंड क्वांटिटी यहाँ पे हमने रखा तो आपके सामने इस तरह से हॉरिजॉन्टल दिख जाएगा, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल चलता है, तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कुछ इस तरह से आपको दिख गया, ओके सर। ठीक है, राइट। राइट सर। इसके लिए सर वो मल्टीपल डेटा भी चाहिए होगा, तभी ये सही से मैं आएगा। बताता हूँ आपको ना सर, ये हो गया। अब मान लीजिए कि मैं इसमें एरिया रख दिया, एरिया पिट कर दिया, तो आप यहाँ पे देख ओके रहे हैं कि एरिया के हिसाब से कलर हो गया, यस सर। आ गया ना एरिया के हिसाब से कलर। राइट सर। अगर एरिया को वापस मैंने इसमें पिट कर दिया तो ये भी एरिया के हिसाब से कलर, और कौन कौन एरिया है कौन सा कलर है वो आपके सामने ऊपर यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है। सर। तो ये आपका जो मल्टीपल डेटा रखते हैं उस केस में सही होता है, जैसे मान लीजिए मैंने एमआरपी को भी इसके अंदर रख दिया तो क्या होगा, कुछ नहीं दिखा, एमआरपी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि नहीं सर। एमआरपी बाय डिफॉल्ट टूल टिप में चला गया यहाँ नीचे, तो उसको उठा के अगर क्वांटिटी में हम रखते हैं तब क्या होगा, नहीं आया क्वांटिटी में, नहीं आ रहा है। तो नहीं। क्योंकि जब आप स्टैक कॉलम चार्ट या स्टैक बार चार्ट लेते हैं तो उसमें क्या है कि आप एक्सिस में लेजेंड में रख सकते हैं, एक्सिस अकॉर्डिंग आपका एक्सिस क्रिएट होगा, लेजेंड जिसके आप हिसाब से आपकी कलरिंग क्रिएट होगा, और वैल्यू जिसके हिसाब से आपकी बार क्रिएट होगी, क्लियर है। यस सर। डन। अब इससे मान लीजिए एक्सिस से अगर मैं दो रख दिया, मैंने एरिया और सिटी रख दिया तो क्या होगा, एरिया और सिटी रखने से कोई फर्क नहीं पड़ा, नहीं पड़ा। हाँ यहाँ पे जब आएंगे तो फिर आपका जो है वैल्यू बोर्ड दिख जाएगा, ठीक है। तो अगर एक्सिस में दो रखते हैं तो इस तरह का आपका ऑटोमेटिक लाइनिंग आ जाएगी जिसमें आप मतलब कि टॉप एंड मतलब कि डाउन एंड अप करके आप जो है अपनी रिपोर्ट देख सकते हैं, मतलब तो कि इसमें मान लीजिए आपको सिटी वाइज भी देखना है और एरिया वाइज भी, तो ऐसा नहीं है कि सिटी और एरिया दोनों इकट्ठा दिखाएगा, दिखाएगा वन टाइम में एक ही, ठीक है, ओके। दिखाएगा एक बार में एक ही दिखाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए लेजेंड में डबल डाल दिया तो मेरे हिसाब से लेजेंड में डबल नहीं रख पाएंगे, अगर मान लीजिए लेजेंड में हम डबल रखते हैं तो देख रहे हैं आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, ध्यान रखिएगा जिस मोर देन वन सिर्फ एरिया लेता है वहां पे थोड़ा सा गैप दिख रहा है सर, यहाँ पे आपको हाँ यस सर, समझ गया। इसमें गैप नहीं है, तो इससे समझ सकते हैं कि इसमें डबल फिल एंट्री नहीं, नहीं हो सकता। और इसमें सिर्फ हम एक ही कोई क्वालिटी दिखा सकते हैं। हमारे पास अगर मल्टीपल सेल का कुछ है तो हम सेल का नंबर डबल नहीं दिखा सकते कि हमने कितना सेल किया और मतलब सेल पिच किया और कनेक्ट किया, ऐसा कुछ हुआ तो हम सिर्फ एक ही दिखा सकते हैं इस चार्ट में। ये भी है सर। या फिर हम उसकी एमआरपी वगैरह नहीं दिखा सकते, ये भी है कि जैसे कह सकते हैं, या तो हम एमआरपी दिखा सकते हैं या क्वांटिटी दिखा सकते हैं। अब हम बात करते हैं टूल टिप की। ये टूल यहाँ यहाँ पे चीज और था, ये टूल टिप से पहले एक और आता है स्मॉल मल्टीपल, दिख रहा है स्मॉल मल्टीपल, और इसमें भी आपको स्मॉल मल्टीपल दिख रहा है। तो स्मॉल मल्टीपल क्या करता है, जैसे मान लीजिए कि मैंने मंथ को उठाया और स्मॉल मल्टीपल में डाल दिया, तो ये आप देख पा रहे हैं कि 12 महीने का एक अलग अलग चार्ट क्रिएट कर, ठीक है सर। यस सर। हाँ
और सेम चीज आपका यहाँ भी है कि आपने इस पे क्लिक किया और मंथ को स्मॉल मल्टीपल पे डाल दिया तो ये आपको अलग अलग मंथ का अलग अलग चीजें दिखा देगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि स्मॉल मल्टीपल रखना है या नहीं रखना है। अब यहाँ पे टूल टिप की बात करते हैं। ऐसे मान लीजिए मंथ को मैंने टूल टिप पे डाल दिया, तो टूल टिप पे डालने के बाद यहाँ यहाँ पे दिख गया क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट मंथ बाय नेम माय एरिया, लेकिन आपके डेटा में कोई फर्क नहीं पड़ा, पड़ा सर? नहीं सर, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो टूल टिप करता क्या है? तो टूल टिप जब इस पे कलर कीजिएगा तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा फर्स्ट मंथ अगस्त, अप्रैल, ठीक है, दिसंबर। तो ये सर ये फिर अब ऐसे हमें कैसे पता चलेगा? क्लिक तो नहीं करेंगे सब पे बार बार? हाँ, अब आगे हम बताते हैं आपको। तो इसके लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे और हम इसकी फॉर्मेटिंग में जाते हैं, तो फॉर्मेटिंग को देखते हैं। फिलहाल तो आपको कर्सर रखने पे पता चलेगा, फिर आगे देखते हैं इसका क्या सॉल्यूशन है। अब हम यहाँ पे देखते हैं जनरल फॉर्मेटिंग जो सबका होता है, जनरल फॉर्मेटिंग साइज वाइज क्या होता है उसके। उसके बाद यहाँ पे लेजेंड, लेजेंड कौन सा है जो ऊपर में डला हुआ है, लेजेंड को ऑफ कर दीजिए तो लेजेंड आपका नहीं दिख रहा है, दिख रहा है लेजेंड अब? नहीं सर, लेजेंड। उसके बाद यहाँ पे पोजीशन क्या टॉप में रखना है या बॉटम में रखना है, बॉटम कीजिए तो नीचे आ जाएगा, टॉप कीजिए तो ऊपर आ जाएगा। तो सिटी है वो लेजेंड में रखा हुआ है। लेजेंड का टाइटल शो करना है तो शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है सर? ओके सर। उसके बाद इसका लेजेंड का नेम क्या है, एरिया है। अब एरिया के जगह पे मैं यहाँ पे लिख देता हूं सेल्स ऑफ एरिया, ठीक है, यहाँ पे दिख गया ना सर टाइटल, और इसकी कलरिंग इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह आप यहां से चेंज कर सकते हो। उसके बाद आता है वाई एक्सेस, वाई एक्सेस जो ये नीचे दिया हुआ है वाई एक्सेस, इसका कलर क्या होना चाहिए। तो मान लीजिए कलर मैं ब्लैक कर देता हूं, ब्लैक हो गया, या मान लीजिए कलर मैं ब्लू करता हूं, ब्लू हो गया। इसकी साइज में बढ़ाता हूं, साइज बढ़ गई, ठीक है सर। मिनिमम कैटेगरी विड्थ 20 है, इसको मैं बढ़ा सकता हूं। एक सेकंड देना सर, ये थोड़ा मेरी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई है कुछ उसके लिए सर, ये डेटा मेरा कुछ वो हो गया है, एक सेकंड सर, मैं इनका कुछ मूव कर लेता हूँ, ये फुल हो गया डेटा सर, ये डैश 200 GB की पूरा ही फाइल अपलोड कर ली सर, वन सेकंड प्लीज सर। तो यहाँ पे हम यहाँ इसकी जो है कंसोलिडेटेड टेबल दिखाना है नहीं दिखाना है, तो दिख नहीं रहा, टाइटल दिखाना है नहीं दिखाना है, अब शो कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें और भी चीजें हैं, एक्सिस की टाइटल वगैरह, और वाई एक्सिस की बात करें, वाई एक्सिस मतलब कि नंबर की बात करें, इसका पोजीशन लीनियर में होगा, ये स्टार्ट ऑटो मतलब जीरो से स्टार्ट करना है, ऑटोमेटिकली स्टार्ट करेगा, आपके कुछ नंबर्स हैं एंड कितना हो। यहाँ पे इन्वर्ट एक्सिस करोगे तो इन्वर्ट हो जाता है मतलब उल्टा हो जाता है। कलर अपना सेट कर सकते हैं, टेक्स्ट की साइज बढ़ाना चाहते हैं तो टेक्स्ट की साइज बढ़ा सकते हैं, और यहाँ पे डिस्प्ले यूनिट ये ऑटो हो गया, 1000 million billion trillion में आप शो कर सकते हैं। ये क्या होता है सर डिस्प्ले यूनिट? डिस्प्ले अभी जैसे अभी नंबर दिख रहा है ना सर, डिस्प्ले यूनिट में ऑटो के अंदर दिखा, ओके 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 मिलियन कर दिया तो उस हिसाब से दिखेगा। ये साइज को मतलब जो हमारा नंबर दिख रहा है उसको थोड़ा सा वो कर देता है, बड़ा करना होता है, फाइन नंबर शो करना है नहीं करना है ये आता है। वो आता है जूम, ठीक है ना, ये क्या आपका जूम साइडर, तो जूम साइडर मैंने इस पे क्लिक कर दिया तो जूम साइडर आएगा कि इसको जूम करना है कि नहीं करना है, समझे? दिख रहा है सर? हाँ यस सर, जूम साइडर का मीन सर एक तरीके से जो हमने नंबर डाला हम उसी पे ये देख सकते हैं कि हम कितने जो वैल्यू है हमारी जिस वैल्यू पे, तो एक तरीके से वैल्यू पे वो लगा रहा है फिल्टर, एक तरीके से ऐसे भी बोल सकते हैं, वैल्यू का फिल्टर भी कह सकते हैं ना सर इसे हम।
क्योंकि वहां 30,000 था वो, सॉरी 3,000 था। नहीं होता है ना सर, से इसको ऊपर है, इसको नीचे लेकर हम जाते हैं तो दिख रहा है सर, दिख रहा है 10K, 15K, 20K, 50K बढ़ते जा रहा है ना सर, दिख रहे हैं आप। ऐसे मान लीजिए ना, ये क्या है सर, ये आपका जीरो से स्टार्ट है 50K। आप बोलते नहीं नहीं मेरा 1500 मिनिमम होता है, 1500 से ऊपर क्या सेल है बताइए, तो इसको चाहिए 1500 पे। 1500 एक तरीके से सेल के लिए हम फिल्टर के लिए यूज कर सकते हैं, राइट सर? 1500 से हो गया, 1500 में कितना सेल है तो यही है, इसके अलावा आपको है नहीं सर। ओके सर। 2500 के बाद 2500 से ऊपर कुछ ने सोल सेल किया है तो यार 25 से ऊपर है आपके ये सेल। ओके सर, ठीक है, चल। उसके बाद ये हो गया, इसको डेटा कलर होता है कि आपको किस जोन को क्या क्या कलर देना है, तो डिफॉल्ट आ गया, आप अपने हिसाब से जोन का कलर चूज कर सकते हैं, राइट सर। उसके बाद यहाँ पे डेटा लेबल आता है, डेटा लेबल जो आपने बोला था नंबर शो होगा कि नहीं होगा, ये आपका डेटा लेबल पे क्लिक किया तो डेटा लेबल कलर कौन सा होना चाहिए, तो हमने बोला कि ब्लैक होना चाहिए, डिस्प्ले यूनिट ऑटो नहीं, हमने बोला कि इसको 1000 में करो, क्या दिख गया सर 1000 में यहाँ पे? ओके सर, ये बड़ा था इसलिए नहीं दिख रहा था, जो छोटा किया तो दिख गया सर, ठीक है। हॉरिजॉन्टल चाहिए वर्टिकल चाहिए, तो मैंने बोला कि वर्टिकल चाहिए तो वर्टिकल हो गया। पोजीशन कहाँ चाहिए? इनसाइड एंड, हम लोग की इनसाइड एंड कर लो, ओके सर, इनसाइड बेस कर लो, इनसाइड सेंटर कर लो, पोजीशन कहाँ पे शो करें, ओके सर। और यहाँ पे कस्टमाइज चाहिए, इसके बाद यहाँ जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ओवरफ्लो ऑफ है, ऑन कीजिए, टेक्स्ट नहीं समझेगी ये, इसे दोनों का टेक्स्ट ओवरफ्लो करेगा नहीं करेगा, उसके बाद नीचे आता है आपका, ये आता है आपका, ये आपका फॉन्ट फैमिली क्या होगा, शो बैकग्राउंड शो करना है नहीं करना है, बैकग्राउंड का कलर क्या होना चाहिए। अब आता है कस्टमाइज सीरीज, कि मान लीजिए आपको अलग मतलब कि अलग करना है, अलग अलग का अलग अलग फॉर्मेटिंग करना है, जैसे मैं चाहता हूँ कि आपका यहाँ पे सेंट्रल का अलग हो, उसका अलग हो, मतलब ईस्ट का अलग हो, वेस्ट का अलग हो, तो मान लीजिए मैंने ये ले लिया ईस्ट, ईस्ट ले लिया, ईस्ट का कलर क्या होना चाहिए, तो हमने कलर व्हाइट कर दिया, तो आप देखिए जहां जहां ईस्ट था वो कलर व्हाइट हो गया, ओके समझ गया सर। उसके बाद यहाँ पे आता है लेबल, अब लेबल पे क्लिक करेंगे तो ये आपके लेबल आ जाता है, डेटा लेबल, लेबल में आपको क्या शो करना है, एक मिनट, और लेबल वही डेटा लेबल की तरह ही काम करता है, टोटल टोटल लेबल है, डेटा लेबल नहीं है, टोटल लेबल है, तो टोटल अमाउंट ये शो करता है, बेसिकली एक यूज होता है इस पे का खास खास तरह यूज होता है, जो ये जो है आपको दिख रहा है ना 100% स्टैक, और ये जो स्टैक चार्ट है जहाँ पे लाइन हो जाता है दो वैल्यू, उसमें यूज की जाती है, फिर टाइटल आना, बैकग्राउंड कलर हो गया, बॉर्डर कलर हो गया, शैडो कलर हो गया, तो बाकी चीज नॉर्मल है। अब इसकी फॉर्मेटिंग जो है आप अपने से एक बार ट्राई कर लीजिए, इन दोनों को आप इसकी प्रैक्टिस कर ली थी, अब इन इसके तो बन के अच्छे से, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, ओके।